हेलो हाँ जी सर। जी, तो कौन कौन सी कंपनी आप जो बता रहे थे आपके साथ मुझे चीट किया हुआ है? एजिल सर्विस और एक्यू टाइप करके कंपनी है। फर्स्ट टाइम एक्यू तो टैक और एजिल एजाइल करके। एजिल सर्विस अच्छा, और दूसरी कौन सी थी? एजिल सर्विस और एक्यू टाइप करके कंपनी है। फर्स्ट मुझे आया था अच्छा एजिल सर्विस से, तो मैंने उनका पहले तो इग्नोर किया, तो फिर उनका फोन आया कि आप अगर काम करेंगी तो आपको हम इतना पे करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप डिमांड तो नहीं करेंगे किसी पैसे के या कुछ भी, मुझे पहले पे करना होगा या कुछ। उन्होंने कहा कि आपको कोई चीज पे नहीं करनी है, बस आपको काम करना है और देना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने आईडी वगैरह मांगी और मैंने उसे दे दी, और उन्होंने जस्ट मुझे काम भेजा और मैंने काम स्टार्ट भी किया। अगले दिन बंद हो गया काम, और उसके बाद काम बंद हो गया तो मैंने उन्हें फोन किया, व्हाट्सएप किया, लेकिन उन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं किया, व्हाट्सएप का आंसर भी नहीं किया, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक्यू टाइप करके कंपनी आई, उन्होंने भेजा, उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह सब भेजे कि इस टाइप से अगर आप पैसे, अगर हम पैसे आपके नहीं देते, सैलरी नहीं देते हैं ना, तो हम आपको एग्रीमेंट बना के देंगे, आप कंपनी पे केस कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जब कुछ टाइम बाद उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाकर भेजे थे वो सब डिलीट कर दिए, व्हाट्सएप से सब गायब कर दिए। शायद उन्होंने टाइमर सेट किया हुआ था। तो उसके बाद सपोर्टर टीम का वो एक वो आता है और उसने बोला कि आप काम स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पूरे फॉर्म फिल किए, बल्कि नहीं, आधे फॉर्म फिल किए थे, उन्होंने काम ब्लॉक कर दिया बीच में। मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप किया, तो 4-5 दिन के बाद उनका फिर से कॉल आया कि आपने काम पूरा नहीं किया। मैंने कहा कि आपने ब्लॉक कर दिया था तो मैं कहाँ से पूरा करती। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि आप काम पूरा कीजिए। मैंने उनसे बात की तो बड़ी उससे बात कर रहे थे, अजीब से तरीके से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे काम फिर से दे दिया, मैंने उनका काम पूरा किया, और फिर मैंने लास्ट में लिख दिया कि मुझे आपका काम भी नहीं चाहिए, आपकी सैलरी भी नहीं चाहिए। मैंने लिख कर दे दिया कि अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना, अपनी सैलरी भी अपने पास रखो। उसके बाद फिर से वो वापिस 7 से 8 दिन के बाद फोन आया, मैसेज आया बल्कि, कि आपकी सैलरी पड़ी है क्यू टाइम में, आप सैलरी ले लो। मैंने रिप्लाई नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए। फिर उनको कॉल आया 2 से 3 बार, फिर मैंने कॉल रिसीव किया कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आप अपनी सैलरी अपने पास रखो, आप बहुत बदतमीजी से बात करते हो और मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, आप सैलरी रखो अपनी। नहीं नहीं मैडम, आपको लेनी पड़ेगी वरना हमारी हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, ये वो फलाना ढमकाना। मैंने कहा चलो ठीक है जबरदस्ती डाल दो। सैलरी देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो जबरदस्ती सैलरी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप किस अकाउंट में डुलवाना चाहते हैं। मैंने कहा फोन पे कर दो आप। चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि एक मैसेज आएगा आपको जीमेल पे और आप देखो मुझे भेजो उसे। मैंने वो मैसेज आया उन्हें भेज दिया, तो उन्होंने बोला कि आपने 470 में से 14 फॉर्म गलत कर दिए। मैंने कहा ठीक है भेजो वापस, मैं ठीक करके दे देती हूँ। उसने उसके अच्छा बाद भी मुझसे पैसे मतलब ये बोला कि आपको ऐसे नहीं मिलेंगे 14 फॉर्म ठीक करने के लिए, आप 18,000 पे करो, एक ऐप मिलेगा जिसमें आपको वो मिल जाएगा, वो खुद ही सही करते जाएगा वर्ड, कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा उसे सही करने की। और मैंने कहा कि मेरे पास तो 18,000 नहीं है, तो मैंने कहा मुझे आपके साथ काम नहीं करना, ऐसा करो सैलरी भी आप रख लो, 18,000 भी आप रख लो, 14 फॉर्म भी तो किसी और से फिल करवा लो जो आपके 18,000 दे दे। तो उसने बोला कि नहीं मैं वो नहीं करूंगा। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही फोन कट किया, उसने कहा कि मैं निगल नोटिस भेज देता हूँ। मैंने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं देख लूंगी। तो उसके बाद उसने निगल नोटिस भेज दिया और उसके लॉयर का भी फोन आया था बाद में, बट फिर मैंने ट्रू कॉलर में चेक करती रही तो सारे स्कैम थे। फिर जस्ट तभी अगले दिन एजिल वालों का भी फोन आ गया, और एजिल सर्विस, उसने कहा कि मैम आपने काम पूरा नहीं किया है। और मैंने कहा कि आपने ब्लॉक कर दिया था, और मैंने इतनी सारी कॉल मैसेज सब किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर किसी के फोन कॉल अटेंड करें। तो मैंने कहा ठीक है फिर ऐसा करो, मुझे स्टार्ट करने के लिए दे दो, मैं आपका काम पूरा करके देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको 1,000 रुपये कुछ पे करने होंगे और वो जो रिफंडेबल होंगे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, मैं पैसे है नहीं, आपने पहले ही बोला था कि अच्छा, मैं कोई आपने पैसा दोनों ले बार नहीं जो है दोनों बार किसी को पेमेंट नहीं किया, अच्छी बात ये रही। मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने उसे भी पेमेंट नहीं की है। और उसने बोला कि मुझे पे करो 1,000 रुपीज। मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, अगर पैसे होते तो जॉब की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, सही बात। तो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं,
आप ऐसा करो कि अगर आप नहीं करते हो तो आपको हम वो भेज रहे हैं। पहले तो उसने FIR भेजी, फिर उसने लीगल नोटिस भेजा, फिर मैंने बोला मैंने कि यार ये क्या भेज दिया उसने। फिर मैंने अपने भाई को भेजा, वो तो वो इसमें क्लर्क है तहसील में, कि मैंने कहा दिखाओ ये क्या चीज है। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि मेरी फ्रेंड है, मैं उसे दिखा के फिर बताता हूँ। तो उसने बोला कि ये सारे फ्रॉड है, बट अभी तक वो आ ही रहे थे मैसेज और ये सब। इंसान एक टाइप से टॉर्चर भी हो जाता है कि यार ये क्यों आ रहे हैं बार बार, और जबकि मैंने उस जॉब के लिए प्लान किया था। पैनिक होता है, ये कहेंगे रियल ना हो, गलती से कुछ ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे डिमांड की कि आप 9,900 रुपए जमा कर दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैंने 1 रुपया नहीं दिया उन्हें। तो फिर से कॉल आने लग गया, ये मैसेज वो मैसेज, बल्कि मैंने आपको सभी नंबर प्रोवाइड करवा दिए, जितनी थी सारी लिस्ट बना के दे दी है। हाँ, पेपर पर दिया हुआ। हाँ जी, वो सारे मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी, बल्कि मैंने आज कंप्लेन करने की भी कोशिश की थी, थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो गई थी, अब थोड़ा सा सही हुई है। आपकी वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, तब थोड़ा सा सही लगा है कि हाँ ये सारे फ्रॉड है। और अब मैं सोच रही थी कि आज मैंने ट्राई किया 3 टाइम, बट मेरे से हुआ नहीं, वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। तो फिर एक उसमें ऑप्शन में आया था कि अगर आप कॉल करना चाहो तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि अभी कंप्लेंट कल मैं रजिस्टर कर दूंगी सुबह 10 बजे। तो कल कॉल करें, कंप्लेंट कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों कंपनियों ने सिर्फ आधार सिग्नेचर फोटो मांगा होगा? हाँ जी सर, दोनों कंपनियों ने आधार सिग्नेचर ये सब मांगा, और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मुझसे मुझे दिए थे पढ़ने के लिए उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब अगर उनमें कुछ ऐसा होता तो वो मेरे व्हाट्सएप से क्यों डिलीट करते। उस बंदे ने जो डॉक्यूमेंट मुझे भेजे थे वो व्हाट्सएप से डिलीट कर चुका था, पूरे के पूरे जो चैट हुई सब कुछ डिलीट था। जो सेकंड टर्म वाला था उस बंदे ने डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो मैंने स्क्रीनशॉट लिख कर रखे हुए हैं अभी तक। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भेज सकती हूँ। हाँ जी, तो अब तो क्या कर सकते हैं, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अभी तक आपको मेल वगैरह उसके आ रहे होंगे वो? नहीं, अभी तक नहीं आ रहे हैं, पर जितने भी मेल्स या सब थे मैंने अपने भाई को भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारे फेक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप एक बार उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो ताकि आपको भविष्य में परेशान ना करें। तो एक तो ऑप्शन यही है कि ऑनलाइन जो कंप्लेंट है, साइबर क्राइम के नाम से पोर्टल है, वहां कंप्लेंट कर दो ऑनलाइन। हाँ जी, मैंने आपकी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी ना, तब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैंने आपको मैसेज भी किया, आप शायद बिजी होंगे इसलिए फिर मैंने फिर से मैसेज किया। मैसेज क्या, बहुत सारे मैसेज चेक कर पाते हैं, चेक नहीं हो पाते कई बार, जब भी टाइम मिलता, जैसे अभी चेक किया था। और दूसरा ये है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर देना वहां पर, लेकिन वहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर पब्लिक मत करना वहां पर जी, क्योंकि उस कंप्लेंट में वहां पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे वो लोग। तो वहां पर अगर आप नंबर जो पब्लिक करते हो तो सिर्फ साइबर क्राइम के अलावा भी दूसरे लोग भी वहां से आपका नंबर ले सकते हैं, तो आपको कोई और भी परेशान कर सकता है कि आपकी कंप्लेंट जो है प्रोसीड हो चुकी है और 150, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और पेमेंट कर दीजिए थोड़ा सा, तो आपकी कंप्लेंट जो है एक्शन ले लिया जाएगा उस पर। जी नहीं सर, तो मैं इस तरह के फोन कॉल ना आए जी, तो हो सके अपने भाई से कॉल वो वहां पे कंप्लेंट करवा देना, कोई भी कंप्लेंट कर दे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का नाम और स्क्रीनशॉट वहां डाल देना बस। थैंक यू। और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा जी। तो और भी कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग फंसे हुए होंगे वो सब लोग कहीं ना कहीं इससे। हाँ सर, उसमें फोल्डर में आ रहा था कि जो एक्यू टाइप कंपनी है ये फ्रॉड कंपनी है, और ये जो वकील फोन कर रहे हैं ये भी फ्रॉड है। और उसमें मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं, 230 लोगों ने कमेंट किया था ट्रू कॉलर पे। 230? हाँ जी, 230 इस पे थे और 560 उसमें थे एजिल सर्विस में। बहुत लोगों को पसार रखा इन लोगों ने, वो क्या है कि नए कंपनियों के नाम, नए नए डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं आज 10 कंपनियों के नाम ले दूंगा, अगले 10 दिन में वो कंपनियों के नाम गायब हो जाएंगे, नई 10 कंपनी और आ जाएंगी इसी तरह से। तो दिक्कत ये होती है, नंबर वही रिटर्न में यूज करते रहते हैं, अभी ये नंबर यूज किया, 10 दिन बाद दूसरा नंबर यूज करेंगे, इसको फिर से वापस से ऑन कर लेंगे नंबर को वो लोग। हाँ सर, उन्होंने बीच में ये नंबर बंद कर दिए थे, जैसे मैंने कॉल किया था, व्हाट्सएप किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, कॉल का रिप्लाई नहीं किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अचानक से रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, मैं वीडियो जो है इसका डाल दूंगा यूट्यूब पर, जरूर अपलोड करूंगा इसका मैं। और आप भी आसपास के लोगों को सचेत करते रहिए और वीडियो को और शेयर करिए, चैनल तो सब्सक्राइब किया ही होगा आपने।
दोस्तों इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो है अलग अलग नए नए नाम से लोगों के साथ में चीट करती है, फ्रॉड करती है, तो उनसे बच के रहिए, उनको पैसा पेमेंट मत करिए। वो लोग आपसे सैलरी डलवाने के नाम पे आपकी जो गलतियां हैं फॉर्म के अंदर उनको वापस से करेक्ट करने के लिए अलग अलग नाम से आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं वो लोग, तो इन सब चीजों के लिए पैसा पे ना करें। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे भाई दीपक राठौर जी, राधे राधे। चलिए तो एक्चुअली ये